टेक होम राशन के उत्पादन वितरण व परिवहन में 56 करोड़ के व्यापक भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है। उक्त भ्रष्टाचार की जांच कराकर कार्यवाही के लिए कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता कुंवर सिंह ने आयुक्त रीवा संभाग को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्ष 2018 से 2021 के बीच उत्पादन के लिए कच्चा माल व बिजली की खपत की तुलना में राशन का असंभव उत्पादन किया गया है। चालान जारी करने की तारीख पर टेक होम राशन के स्टॉक में अनुपलब्धता होने के बावजूद लगभग 800 मैट्रिक टन होम राशन सप्लाई कर दिया गया। साथ ही इसी प्रकार स्कूल नहीं जाने वाली छात्राओं की संख्या का बिना बेसलाइन सर्वे कर रही राशन बांटा गया। स्कूल शिक्षा विभाग के लगभग 10,000 बच्चों को न मानते हुए सर्वे में 36 लाख से ज्यादा छात्रों की संख्या मानी गई है। इस तरह से हुए लंबे घोटाले की जांच की मांग की गई है। आइए सुनते हैं पूरे मामले को लेकर कांग्रेसी नेता कुंवर सिंह ने क्या कहा है। टेक होम राशन उत्पादन में जिस प्रकार से गड़बड़ी हुई है मध्य प्रदेश स्तर पर, रीवा जिले में भी हुई। यहाँ पर जितने छात्र थे उससे ज्यादा संख्या में छात्र दिखाए गए। ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर को ट्रक दिखाकर परिवहन व्यवस्था में गड़बड़ी की गई। दूसरी बात, बिल काटा गया, बिल काटने से पहले ही उतना उत्पादन दिखाया गया और यहाँ जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा उत्पादन दिखाकर भ्रष्टाचार किया गया। लगभग 50 से 60 करोड़ के बीच का घोटाला। आज हम लोग आयुक्त से मिलकर इस घोटाले की जांच कराने का हम लोगों ने निवेदन किया।